हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीएस डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके एसीएससी 1-9 में आ सकते हैं। और अब आपके पास ओनली 15 डेज बचे हुए हैं, तो इस टाइम को आपको अपना जो रिवीजन है वो स्टार्ट करना है। जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में एग्जाम में जाएंगे और आपको क्वेश्चन सामने दिखेगा लेकिन डाउट आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आप टिक नहीं कर पाएंगे और डाउट में उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करें। और साथ ही में अब आपको MCQ के साथ में जाना है। जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हैं, MCQ हैं, जो कि एक बार जब आप रिवाइज़ करेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वो चीज़ अब आपको फॉलो करनी होगी। जैसे क्योंकि थ्योरी जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतना आपका कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा, तो प्रेफर करना है आपको MCQ के लिए। और टाइम बच रहा है तो आप थ्योरी के लिए ज़रूर जाएँ और मैथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ज़रूर कवर करने हैं। तो वन लाइनर्स की आपको चिंता नहीं करनी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको लास्ट 15 डेज़ के लिए जो वन लाइनर्स चाहिए उसके लिए भी शॉर्ट नोट तैयार किए गए हैं। वन लाइनर्स आप परचेज़ कर सकते हैं फ्रॉम ACC डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन। आपको मैसेज करना होगा 8120745966 पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। द सिपॉय म्यूटिनी ब्रोक आउट द May 10, 1857। जो सैनिक विद्रोह हुआ था हमारा 1857 में, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, आपको नाम ज़रूर पता होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारा, 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी और रीजन क्या था, ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। दी परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवाल्स इन बंगाल इज़ नोन एज। तो इसको क्या बोला गया था, इसको जमींदारी सिस्टम, जो जमींदारी प्रथा स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कब, 1793 में। और ये किस एक्ट के थ्रू की गई थी, उस एक्ट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे जो जीरो क्लब था ये V.R. अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं बनाया गया था। इसके अलावा जो डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट है, समाज समानता संघ है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है, ये तीनों इस्टेब्लिश किसके द्वारा की गए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड एज अ प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया। तो ये बोला जाता था श्री राम कृष्ण जी को, ठीक है। द रोलेक्ट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, ये कब आया था, जितने भी एक्ट्स हैं वो किस ईयर में आए, ये आपको याद रखना होगा, ये ज़रूर आते हैं आपके क्वेश्चंस में। तो 1919 में आया था रोलेक्ट एक्ट, ठीक है आपका। नेक्स्ट, इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन, किस डेट को इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला था, तो ये मिला था 15 अगस्त 1947 को। उस दिन क्या हुआ था, 14 अगस्त 1947 को मिला था पाकिस्तान को और सेकंड इंडिया को मिला था 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी। नेक्स्ट, द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज, ये क्यों बॉयकॉट किया गया था, तो इसका मेन रीजन क्या था, इस जो कमीशन थी इसमें ऑल वाइट्स थे, ठीक है, विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए इसको बॉयकॉट किया गया था। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द रामकृष्ण मठ एंड मिशन एस्टैब्लिश्ड बाय विवेकानंद इन 1898 R8। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था बेलोर मठ से, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन विच ईयर। तो ये 1861 में तीनों हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे, वाई द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू। द स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920 एट कलकत्ता वाज प्रेसाइडेड ओवर वाई। तो जो स्पेशल कांग्रेस सेशन था कंडक्ट हुआ था 1920 में कलकत्ता में, तो ये किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। हु डाइड एज अ पोलिटिकल प्रिजनर इन लाहौर प्रिजन, लाहौर प्रिजन में जो पोलिटिकल प्रिजनर थे जतिन दास, इनकी मृत्यु हो गई थी। ही डाइड इन लाहौर जेल आफ्टर अ 63-day हंगर स्ट्राइक। एंड आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि लास्ट 15 डेज के लिए यदि आपको कुछ
समझ नहीं आ रहा है कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, केवल व्हाट्सअप करना होगा 8120745966 पर, या फिर ACC डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ पर स्टोर पर आपको PDF मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। 100 लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट होने वाले हैं, आज संडे है तो सारे एक्टिव रहिए, ठीक है। ये फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लास्ट 15 डेज में आपको यदि ACC 1-9 क्रैक करना है तो उसके लिए अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स मिल जाएंगे और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस यहीं से कवर होंगे। तो ये सब मटेरियल यदि आपको चाहिए तो ज्वाइन करना होगा ACC 1-9 का जो कोर्स है, जो कि 15 डेज में आपके लिए लेक्चर्स एंड PDF नोट्स मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, तो उन्हीं से आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से। ज्वाइन करने के लिए आपको 8120745966 इस नंबर पर मैसेज करना होगा, या फिर एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इसे एनरोल कर सकते हैं। विच ईयर डिड बकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रॉट दी आनंद मठ? तो आनंद मठ ये लिखा गया था 1882 में, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ आनंद मठ, एंड सन्यासी रिवोल्ट वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब इन दिस एपिक। दी फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश इन इंडिया वॉज, जो पहला न्यूज़पेपर था इसका नाम था दी बंगाल गैजेट। नेक्स्ट, दी लखनऊ पैक्ट वॉज अ डील बिटवीन, तो जो लखनऊ पैक्ट पारित हुआ था आपका, ये किन दो लोगों के बीच में एक डील हुई थी, वो क्या था कि हिंदू एंड जो सिख्स थे उनका जो जॉब का रिजर्वेशन था, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, हिंदू एंड सिख्स अबाउट जॉब रिजर्वेशन। हु डिड महात्मा गांधी रिकॉग्नाइज एज अ हिज पॉलिटिकल गुरु, कौन थे, तो ये थे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनको अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट, दी हिंदू कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन 1878, तो हिंदू कॉलेज जो था 1817 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर, कलकत्ता में, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज वेयर पास इन 1856, तो 1856 में आपका जो रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट एंड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये दोनों 1856 में आए थे, ठीक है, पास किए गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ दी एवर। एंड जो 1-9 एंड 1-3-0 का कोर्स है जिसे आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, ओनली 999 में, सबसे मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है, तो आप इस वीकेंड पे इसे एनरोल कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मैसेज करना होगा इस नंबर पर। यदि आपको बुकलेट्स चाहिए तो ये बुकलेट्स भी आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएंगी, जिसमें आपकी 6 सब्जेक्ट की 6 बुकलेट्स रहेंगी और इनमें सारे आपके MCQ वन लाइनर्स, मॉक टेस्ट, साथ में थ्योरी पोर्शंस कवर है, इनसे बाहर आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो जिसे आप अपने एड्रेस, यूनिट या फिर घर पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको मैसेज करना होगा या फिर एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, ये कब आया था, तो 1942 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हाउ मैनी वॉलंटियर हैड अकम्पनीड गांधी ऑन दी फेमस दांडी मार्च 12-1930, तो जो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था, 12 मार्च 1930 में, और कितने वॉलेंटियर थे इसमें, 78 वॉलेंटियर्स थे, ठीक है। और किस चीज़ के अगेंस्ट हुआ था, ये डायरेक्ट एक्शन कैंपेन था, टैक्स रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली, ब्रिटिश की जो सॉल्ट मोनोपोली थी उसके अगेंस्ट किया गया था, ठीक है, जो कि कब से कब तक चला था, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। हु अमंग दी फॉलोइंग लीडर प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक 1916 लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस, तो ये प्रिसाइड की गई थी अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस, तो जो लाहौर सेशन था जो कि 1929 में पारित हुआ था, इस सेशन में क्या हुआ था, विच टुक द प्लेस ऑफ बैंक ऑफ रिवर रवि अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज को एज अ एम ऑफ कांग्रेस डिसाइड कर लिया गया था। ऑन सेप्टेम्बर 29-32 महात्मा गांधी विगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवंद जेल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किस लिए हुआ था, कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनाल्ड। कस्तूरबा गांधी डाइड इन द डिटेंशन इन 1944 एट, तो ये किस जेल में हुई थी, ये आगा खान पैलेस।
दी फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, तो ये थे बलदेव सिंह। ठीक है, दादाभाई नेहरू जी हैज डिस्क्राइब हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन दी बुक, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें पॉवर्टी एंड अनविट्रस रूल इन इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया है। हु स्टार्टेड द जर्नल ऑफ द कॉमन विल, तो ये स्टार्ट की गई थी एनी वेसेंट के द्वारा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड टू बी एन्यूल्ड इन, तो ये कब हुआ था आपका 1911 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट टाइम जो वर्ड 3.0 के लिए कैंडिडेट जा रहे हैं, जिनका एग्जाम होगा 1 फरवरी को, आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, तो जो 1-9 के कैंडिडेट हैं और एलिजिबल हैं 1.30 के लिए, तो उनको ज़रूर इसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और जो 1.30 का कोर्स है वो भी स्टार्ट करने वाला है ACC डिफेंस अकेडमी अभी, तो इस कोर्स में आपको फुल लाइव क्लासेस रहेंगी अप टू योर एग्ज़ाम। तो इसमें आपका एक बार फुल सिलेबस कंप्लीट होगा, दो बार रिवीजन होगा, साथ में शॉर्ट नोट्स PDFs ये आपको मिल जाएंगे। तो इतना अच्छा कोर्स आपको मिनिमम प्राइस में मिल रहा है, तो इसे अभी भी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर आपके पास टाइम नहीं रहता है, आपके पास बीच बीच में कहीं TD चले जाते हैं, कहीं ड्यूटी आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेक हो जाते हैं। तो अभी से एनरोल करके रखेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आसानी से टॉप 500 में रैंकिंग भी ला सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वही नंबर पर मैसेज करना होगा, या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाइए जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ डाउनलोड करेंगे तो स्टोर पर जाकर आपको 1-9 के लास्ट 15 डेज के नोट्स मिल जाएंगे, 1.30 का कोर्स मिल जाएगा, बुकलेट्स आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल है। सो थैंक यू फ्रेंड, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और आपको अभी किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लोगों के लिए वो वीडियोज़ कंटेंट PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।